नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। झांसी के नंदनपुरा स्थित आलाहा घाट के समीप वासुदेव बिहार में आयोजित पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक एवं संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के पांचवें दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा का व्याख्यान करते हुए कथा व्यास पंडित कृष्णकांत जू महाराज वृंदावन वालों ने कहा कि कंस के पास समस्त प्रकार की धन संपदा, वैभव, शक्ति, राजपाट सब था, किंतु संतोष धन न होने के कारण उसकी सभी शक्तियां निष्फल हो गईं और वे दुर्गति को प्राप्त हुआ। उन्होंने चौपाई के रूप में बताया कि गोधन, गजधन, वासधन और रत्नधन खान जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कथा के इसी क्रम में जन्मोत्सव की बधाइयां गाईं एवं भक्ति रस में डूबकर भक्त खूब झूमे। इसके पूर्व श्रीमद् भागवत का पूजन झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू, गुड्डू चौरसिया, राकेश दुबे, शशिकांत कार्लेकर, विक्की जैन, कैलाश चेलानी आदि ने किया। पंडित हरिमोहन शास्त्री गुरुजी ने संचालन एवं बारे में महाराज ने आभार व्यक्त किया। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट।